देखिए, पिछले 10 दिन से इस देश के किसान सड़कों पे परिवार सहित खड़ा हुआ है और सरकार से कह रहा है कि जो कानून उन्होंने बनाया है उसे रद्द करो। लेकिन ये सरकार नपुंसक सरकार है। वो किसानी जो अन्नदाता है इस देश के अंदर, अन्न का उत्पादन करते हैं, जिनकी हालत आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की दयनीय स्थिति है, और आज वो वाजिब मूल्य और वाजिब दाम और अपने हक की लड़ाई के लिए रोड में खड़े हैं, मगर मोदी सरकार अनसुना कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ़ में हैं और आज भारत बंद का पूरा समर्थन कर रहे हैं, और ये पूरा भारत आज बंद है, मोदी सरकार के खिलाफ है। और ये मोदी वो मोदी है जो हिंदू और मुसलमान के नाम में लड़ाता है। ये वो मोदी है कि कोरोना की आड़ में थाली बजाओ घंटी बजाओ, जब 36,000 इस देश के अंदर कोरोना पेशेंट निकल रहे थे और आज देश के अंदर 50,000 1,00,000 हो गया, और ये नौटंकी जो लोगों को झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है, इस प्रधानमंत्री को हटाना होगा। हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता आज ये ऐलान कर दिए कि मोदी सरकार को हटना ही होगा, और उसके खिलाफ वो आ गए हैं। आज जीवन उपयोगी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, फल्ली तेल हो, प्याज हो, आलू हो, वो महंगी होते जा रही है। इस देश के किसान 26 तारीख के तमाम मजदूर किसान इस देश के अंदर आंदोलन करे। सारे औद्योगिक घरानों को ये सरकार बेच रही है, रेल बेच रही है, एयर इंडिया बेच रही है, हमारे खदानों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। हम इसके खिलाफ में, और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज 130 करोड़ जो जनता है वो सड़कों पे है, भारत की रोडों पे है, और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम इसका समर्थन करते हैं।